फिश पकौड़े के लिए हमने लगभग 1 किलो प्यासी मच्छी है जिसका स्किन मैंने उतरवा लिया हूँ। अब इसको हम मैगनेट कर लेते हैं। फर्स्ट मैगनेशन इस तरह से है, इसमें हाफ स्पून नमक, हाफ स्पून हल्दी, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुका है मैगनेट किए हुए। अब सरसों का पेस्ट है, काला और पीला दोनों सरसों का हमने पेस्ट बना लिया है। 1 स्पून 1/4 स्पून जीरा, अजवाइन हाफ स्पून, उसको हाथ पे रगड़ दिए हैं। कॉर्नफ्लावर 1/2 स्पून, धनिया 1/4 स्पून, हल्दी चुटकी भर, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 स्पून, लाल मिर्च 1/4 स्पून, ब्लैक पेपर चुटकी भर, जीरा पाउडर चुटकी भर, बेसन 1 स्पून, से थोड़ा ज़्यादा लगभग 1/2 स्पून, 1/2 स्पून से 2 स्पून के बराबर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं तो इसमें थोड़ा सा ही डलेगा। 1 नींबू का रस, 1/4 स्पून आराम आराम से। ये देखिए मेरा मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देख सकते हैं तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फिश को डाल देते हैं। इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है। इसको 2 स्टेप में पकाना है। पहले हाफ फ्राई करेंगे फिर फुल फ्राई करेंगे। इसे 1 से 1.5 मिनट तक पका लेते हैं, उसके बाद पलट देंगे। तो देख सकते हैं 1 से 2 मिनट मेरा हो चुका है। अब हम इसको आराम आराम से पलट लेते हैं। ये देखिए मेरा सारे फिश पलट चुके हैं। अब इसको भी लगभग 2 मिनट पका लेते हैं। देख सकते हैं 1 से 2 मिनट मेरा हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं मेरा हाफ फ्राई हो चुका है। अब हम 2 से 3 मिनट बाद इसे डीप फ्राई कर लेंगे। अब मेरा 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। इसे हाई फ्लेम पे डीप फ्राई करना है। ये देख सकते हैं अब ये मेरा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देख सकते हैं मेरा सारा पकौड़ा फ्राई हो चुका है। इसको हम किसी प्लेट पे टिश्यू पेपर रख के हम निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल हो सारे निकल जाए। अब हम इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों
ये देख सकते हैं मेरा फिश पकौड़ा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आपको ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।